नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू एंड उसके साथ साथ हैप्पी सप्तमी। तो आज हम जा रहे हैं बिलासीपारा से, अभी हम जा रहे हैं कोकराझार में, कोकराझार में पूजा देखने के लिए। बहुत सारे कोकराझार में हमने सुना कि कोकराझार में काफ़ी अच्छा अच्छा पेंडल है, तो वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कैसा है, सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं इस वीडियो में। सब कुछ आएगा कोकराझार के पूजा रिलेटेड, तो बने रहिए वीडियो में, बहुत कुछ है। हम जा रहे हैं कोकराझार, अभी कोकराझार बस एंट्री करेंगे अभी कुछ ही टाइम के अंदर, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों पूरा फोटोग्राफी में व्यस्त है, एच जे शर्मा और उसके साथ साथ हमारे मोनचीज भैया। पहले मोनचीज फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद एच जे। ये है कोकराझार सर्किट हाउस, सर्किट हाउस के ऑपोजिट में ही यहाँ पे है केदारनाथ। हमें कोकराझार में ही केदारनाथ देखने का सौभाग्य हो रहा है। यही है केदारनाथ टेम्पल, एक वर्ल्ड फेमस टेम्पल है जो कि हमारे असम के कोकराझार के जाह्नवी क्लब में बनाया गया है। ये रेप्लिका एकदम सेम केदारनाथ मंदिर जैसा ही हुआ है और यहाँ पे देवी दुर्गा की पूजा भी हुआ है। दुर्गा पूजा के लिए ही ये बनाया गया है, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा और भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि कभी फ्यूचर में उत्तराखंड के वर्ल्ड फेमस केदारनाथ टेम्पल में भी जा सकूँ और आप लोगों को इस चैनल के जरिए से दिखा सकूँ। तो अभी मैं हूँ कोकराझार के जाह्नवी क्लब में, जहाँ पे केदारनाथ थीम में पूजा किया गया है। इस बार मैं आके बिलासीपारा से मैं यहाँ पे आया, काफ़ी अच्छा लगा ये थीम मुझे देख के। तो अभी मैं कमेटी के लोगों के साथ बात करने वाला हूँ इस थीम जो केदारनाथ आप लोग बनाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है देखने में हुआ है और काफ़ी दिनों टाइम लगा है शायद इसमें। तो कितने दिन टाइम लगा है ये? दो महीने का टाइम लगा, दो महीने। हम लोग ये
जाह्नवी ग्राम से तरफ तरफ से गिफ्ट है हमारा पिछड़ावासी का, इसलिए कि हर घर को खतरनाक नहीं जा सके, इसलिए हमने सोचा यहाँ आगे विषय खतरनाक उत्तराखंड का चीज़ आप लोग पोखरा झाल में दे रहे हैं, ये हमारा 55 ईयर्स का सेलिब्रेशन है। अच्छा, इसीलिए इस बार स्पेशल है। और उसके साथ साथ इसका बजट कितना हुआ? बजट 10 लाख प्लस है। 10 लाख प्लस। और जाह्नवी क्लास क्लब 55 ईयर्स का पूजा करते हैं, इस बार ही ऐसा थीम या फिर पहले से? एवरी साल हमारा एक सेपरेट सेपरेट थीम होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू। तो अभी हम कई सारे पूजा मंडप देखे कोकराझार के, और अभी हम आए हैं तीतागुड़ी में, जो कि भवानीपुर दुर्गा पूजा कमेटी कोकराझार तीतागुड़ी में है। इस साइड में बोरलैंड यूनिवर्सिटी, और इस साइड में बोरलैंड के जो सेक्रेटरिएट वो भी है, वो भी दिखाऊंगा अगर मिले तो। और उसके साथ साथ इस पेंडल को अभी देखते हैं, हिमालय टाइप का बनाया है, ऊपर है महादेव और उसके साथ साथ सभी ऋषि मुनि यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी, यहाँ पे ऋषि मुनि और उसके साथ साथ महादेव जी को लेके ही थीम है यहाँ का। यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग है, उसके साथ साथ दो यहाँ पे मूर्ति है, एक है दुर्गा माँ का मूर्ति वहाँ पे, और उसके साथ साथ और एक मूर्ति यहाँ पे है जो कि शायद थर्मोकोल से बनाया हुआ है मूर्ति। सॉरी, ये थर्मोकोल का मूर्ति नहीं है देवी दुर्गा के, ये एक यूनिक टाइप का मूर्ति है जिसमें बहुत सारे क्रिएटिविटी है, जो कि यहाँ पे चावल से बना हुआ है ये मूर्ति, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे है जो कि बनाने में इसके आर्टिस्ट यूज़ किए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये पूरा जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, फेस वो चावल से बना हुआ है, हाथ चावल से बना हुआ है, बॉडी, और उसके साथ साथ चम्मच जो स्पून है वो भी है यहाँ पे, और पंखा ताल के जो पत्ते रहते हैं पंखा, वो भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी यूनिक है ये। तो हम आए थे कोकराझार पूजा देखने के लिए, दुर्गा पूजा देखते देखते हम आ गए कोकराझार नहीं, बोरलैंड सेक्रेटरिएट में, बोरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, काफ़ी अच्छा लगा आके यहाँ पे देख के, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये। बड़ा है यहाँ पे एरिया, बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे सेक्रेटरिएट के सामने एक स्टैचू है जो कि है बोरोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी का, और उसके साथ साथ इस साइड में है मेन गेट, ये है बोरलैंड सेक्रेटरिएट का मेन गेट। यहाँ से ही हम आए हैं, अभी हम एग्जिट करेंगे यहाँ से, चलिए। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं कोकराझार के और एक पूजा पैंडल में, जो कि है डिपोट दुर्गा पूजा कमेटी।
यहाँ पे अभी हम आए हैं कोकराझार के डिपोर्ट दुर्गा पूजा कमेटी में। यहाँ पे कमेटी के लोग मेरे साथ है अभी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये वाला मंडप जो है यहाँ पे, ये तो पूरा बेत से बनाया हुआ है, बांस से बनाया हुआ है। अच्छा, बांस से बनाया हुआ एक मंडप है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे बिलासीपुरा से आके देख के। इस बार यहाँ पे ये 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये कोकराझार का सबसे पुराना पूजा है, शायद सेकेंड ओल्डेस्ट पूजा है। और उसके साथ साथ ये वाला पेंडल, इतना बड़ा पेंडल इस बार आप लोगों ने किए है, तो इसका बजट कितना है आप लोगों का? हम लोग पूरा पूजा का बजट लिया था 25 से 30 लाख रुपया। अच्छा, तो इसमें पेंडल में हम लोग का ऑलमोस्ट 3 लाख का बजट है। अच्छा, ओनली फॉर 4 ईयर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बैम्बू का जो आप लोग ये पेंडल किए हैं, लोकल बिजनेस के ऊपर, हमारे आसाम में बैम्बू बहुत ज़्यादा है, बैम्बू के पेड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसमें फोकस करके शायद आप लोग ये किए हैं। अच्छा, लोकल जो बिजनेसमैन है हम लोग जो किए हैं। अच्छा, हम लोग ये सोच के कोविड में 2020 साल पब्लिक, ये लोअर क्लास का इनकम वाला आदमी ऐसे बैठा हुआ था, बहुत परेशानी हुआ था, ये लोग का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गया। अच्छा, ये इसका ऊपर में सोच विचार रख करके हम लोग, अच्छा, जो हम लोग का लोकल पीपल लोग आदमी लोग दो पैसा मिले, इसका ऊपर सोच समझ के हम लोग बांस का बनाया हुआ है। ये जो धारी आप लोग देख रहा है यहाँ पर हम लोग के पेंडल में यूज़ किया हुआ है, ये हम लोग कामपुर से लाया हुआ है। अच्छा, एडवांस ऑर्डर दे करके। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये सब में क्या है, अभी टुकड़ी जो बनाया ये फूला वूला जो इतना देख रहा है बांस का, ये सभी क्या है, पुअर पीपल ग्रास रूट लेवल का आदमी लोग ये स्टॉप बनाता है। ये दो पैसा अगर ये लोग का हाथ में जाएगा पूजा का आगे, अच्छा अच्छा, पूजा में ये लोग दो पैसा मिले, हम लोग को भी शांति मिलेगा, क्योंकि पेंडल वाला तो बड़ा बड़ा पेंडल जितना होता है सब बाहर से आता है, हमारा यहाँ का पैसा लेके चला जाता है। हाँ बिल्कुल, तो हम लोग का लोकल पीपल का कोई मतलब अच्छा, ये हम लोग सोचा है ये हम लोग का लोकल पीपल दो पैसा मिले, इसका ऊपर बेच करके इको फ्रेंडली और परिवेश दूषण मुक्त, जिसमें थर्मोकोल और प्लास्टिक ये सब हम लोग यूज़ नहीं किया। अच्छा अच्छा, अच्छा। जिसमें परिवेश को दूषण करता है, अच्छा, उसके ऊपर भी ध्यान रखा हुआ है। अच्छा, इसलिए हम लोग बांस का बनाया हुआ है। अच्छा, काफ़ी अच्छा। मैं ये पूजा कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है चिन्मय दे। चिन्मय दे है आपका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये अच्छे से हमें समझाने के लिए। मैं बिलासीपुरा से आया और अंकल को बोला यहाँ पे, तो अंकल काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा के बोले। और उसके साथ साथ ये पेंडल बनाने में कितना दिन लगा आप लोगों को? ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1.5 मंथ। अच्छा, 1.5 महीना लगे है ये पेंडल कम्प्लीट होने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोकराझार में घूमते घूमते मीट हो गया मेरा एक दोस्त से, जो कि है नयन। नयन, कैसा तुम्हारा मतलब कोकराझार में पूजा कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि मुलाकात हो जाएगा। और उसके कहाँ इधर कहाँ के मतलब कहाँ पे मुलाकात होगा ये कोई नहीं बता सकता है। मैं भी सोचा नहीं था कि नयन भाई से मुलाकात यहाँ पे होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे डोमिनार है भाई का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये लेके तुम कहाँ गए थे? सिक्किम तक। कितने दिन पहले? करीब 25 डेज पहले। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा राइडर भी हो चुका है अभी भाई, तो मिले फिर आओ, मीट करेंगे फिर। हाँ ठीक है ठीक है। अभी भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू। हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा पूजा। यहाँ पे हम घूमते घूमते आगे है रेस्टोरेंट में खाने के लिए, भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं इसीलिए, तो अभी हम खाते और उसके बाद बाकी सारे पेंडल दो एक देखते हैं। यहाँ पे इन लोग खाने में व्यस्त हो चुके हैं, मीनाल भाई मुंशी, और उसके बाद इसका नाम बताने का ज़रूरत है। আমরা বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা প্রবীণদের হাত ধরে শিখেছি। সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি এবং তার সকল সদস্য আন্তরিকভাবে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়। আমরা সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এখনই শুরু করব। तो हम फिर से आ गए कोकराझार डिपोर्ट दुर्गा पूजा में नाइट व्यू देखने के लिए। दोबारा यहाँ पे हम आ गए, यहाँ का नाइट व्यू काफ़ी अच्छा है, हम सुने लोगों से, फोटो में भी देखे थे, इसीलिए
यही था कोकराझार का दुर्गा पूजा। आप लोगों को कैसा लगा कोकराझार का ये दुर्गा पूजा वो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए। और बहुत सारे पैंडल शायद यहाँ पे हम नहीं जा पाए वहाँ पे टाइम के वजह से, मतलब नो एंट्री टाउन पे जल्दी जल्दी लागू हो जाता है, इसीलिए हमें आना भी पड़ेगा बिलासीपुरा। इसीलिए हम आ गए थे जल्दी जल्दी, 5 बजे से ही नो एंट्री लागू होता है बिलासीपुरा में। कोकराझार में भी सेम वैसा ही है, इसीलिए हम आ गए। कई सारे पूजा मंडप में हम नहीं जा सके, इसीलिए हमें भी बुरा लगा। और नेक्स्ट साल जरूर ट्राई करेंगे। और उसके साथ साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कोकराझार का दुर्गा पूजा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बाहर का दुर्गा पूजा। मतलब मैं बिलासीपुरा में ही रहता हूँ दुर्गा पूजा में, बिलासीपुरा का पूजा भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बिलासीपुरा का ब्लॉग भी आ रहा है, 2 ब्लॉग आने वाला है इस ब्लॉग के बाद। ये ब्लॉग आप लोगों ने देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और आप कोकराझार से है तो ज़रूर शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ हमारे इस आरकेएस क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फर्स्ट टाइम मैं बिलासीपुरा का बाहर का दुर्गा पूजा देख रहा हूँ, मतलब हर बार बिलासीपुरा में ही रहता हूँ, बिलासीपुरा का ही पूजा देखता हूँ। तो इस बार थोड़ा बाहर गया, मतलब हमारे सामने ही है कोकराझार, तो कोकराझार में गया। कोकराझार का पूजा देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और लास्ट में यहाँ पे कोकराझार से आने वक्त, बिलासीपुरा आने वक्त यहाँ पे लक्खीगंज और फुटकीबारी वहाँ पे हम पूजा गाड़ी से ही देखे।